सोशल मीडिया से बहुत सारे पोस्ट किए हैं। तो इस प्रकार का व्यक्ति जो उकसाने और भड़काने वाला है उसके विरुद्ध भी आर्थिक अपराध इकाई कार्रवाई कर रही है। अभी इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, आर्थिक अपराध इकाई की टीम इस पर कार्रवाई कर रही है। कुल मिलाकर आपको ये भी बता दें कि फेसबुक पर 9 लिंक, 9 पोस्ट, ट्विटर पर 15, यूट्यूब पर 15 और जीमेल पर 3 प्रिजर्वेशन नोटिस जारी किया गया है। प्रिजर्वेशन नोटिस कानून का वो हथियार है जिसके अंतर्गत इन सभी सर्विस प्रोवाइडर को जो है हम नोटिस देते हैं कि आपके प्लेटफॉर्म पर जो भी लिंक है उसको आप 3 महीने तक प्रिजर्व करके रखें जिससे कि पुलिस को साक्ष्य मिल सके, ऐसा ना हो कि कोई डिलीट कर दे, कोई हटा दे। 3 महीने का नोटिस हमने जारी कर दिया जिसमें आपको बताया ट्विटर पर 15, यूट्यूब पर 15, फेसबुक पर 9, जीमेल पर 3 ऐसे हम लोगों को आपत्तिजनक वीडियो लगे। आर्थिक अपराध इकाई की 10 सदस्यीय विशेष जांच दल इसकी जांच कर रही है और भी जो भी इस तरह के वीडियो या इस तरह के कोई भी मैसेज या भड़काने वाली आपसी विद्वेष फैलाने वाले या इस तरह के वीडियो फैलाए जाएंगे तो उसकी आर्थिक अपराध इकाई विधिवत जांच कर कार्रवाई करेगी। एक DSP हैं वहाँ आर्थिक अपराध इकाई के उस स्तर के, उनके द्वारा जांच की जा रही है और 10 सदस्यीय जांच दल भी है, इसमें SP के निर्देश में कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार से ये पता चलता है कि जो ये वीडियो वो जानबूझकर सुनियोजित तरीके से भ्रामक अफवाहजनक थे जिनको कि इस तरह से फैलाया गया और इस तरह के फोटो वीडियो टेक्स्ट मैसेज डालकर जनता के बीच में गलत मैसेज दिया गया जिससे विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो सकती थी, आपसी मतभेद और विद्वेष भी पैदा हो सकता था। तो इस प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई द्वारा संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ से जांच की टीम गई है, हमने आपको बताया था, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था, 4 सदस्यीय जांच की टीम वहाँ गई है। अभी वहाँ पर सभी लोगों से वो वार्तालाप कर रही है, पदाधिकारियों से वार्तालाप हुआ है, उच्च स्तरीय पदाधिकारियों से। उसके बाद वो क्षेत्र में गई है, क्षेत्र में जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक हैं उनसे उन्होंने वार्ता की है। उसके बाद वहाँ पर जो हमारे इंडस्ट्री के ऑफिसर्स हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे वार्ता हुई है। वहाँ पर बिहार के रहने वाले जो प्रवासी हैं उनसे, जिनसे भी बात हो सकती थी उनसे भी बात की गई। कुल मिलाकर के सभी स्थिति पर टीम अभी जांच कर रही है। जांच के बाद अगर कोई तथ्य आएगा तो हम लोगों को कम्युनिकेट होगा, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी तक की स्थिति जो अनौपचारिक रूप से बताई गई वो स्थिति सामान्य है। सामान्य रूप से जो लोग होली पर आना चाहते थे उनको फैसिलिटेट करने की कार्रवाई भी ये टीम कर रही है कि किसी को दिक्कत नहीं हो, भय या आशंका का माहौल नहीं बने, इसलिए हमारी टीम लगातार वहाँ कार्रवाई कर रही है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।